गोंदिया की पुलिस के साथ सीटीवी के संवाददाता मुक्ति सरकार ने एक दिन बिताकर उनकी परेशानी, सजगता और फर्ज के प्रति निष्ठा का अनुभव किया। कैसे बिताया एक दिन, देखते इस खबर में। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में जुटी हुई है। कैसे कार्य करती है पुलिस यंत्रणा, किन किन समस्याओं से लड़ रही है पुलिस और कैसे लोगों की मदद करती है पुलिस, इन सारे सवालों को लेकर गोंदिया से हमारे संवाददाता मुक्तेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के साथ एक दिन बिताया। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा लगता नहीं है कि किस तरह से चैलेंजेस आप फेस करते हैं कि इसको संभाल दी, क्या आपको वायरस का डर नहीं? क्या ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वायरस का डर मैं आपको सच में बता दो, अभी तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे वो डायरेक्ट पापा आ गए करके ऐसे मेरे आंग पे आते हैं, लेकिन मैं उनको मेरी पत्नी और मैं उनको वहीं पे ठहरा के बाहर ही सब क्लीन हो के तभी मैं अंदर जाता हूँ। लेकिन सच में डर हमारा डर जो है वो मुझे मेरा नहीं लगता, डर मुझे मेरे फैमिली का लगता है। ये बहुत ही मतलब इतना इमोशनल है कि हर दिन ऐसा लगता है कि कहीं चूक से अगर मेरा हाथ कहाँ पे किसी को लग गया होगा या फिर मेरे वजह से मेरी फैमिली को कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ये डर बहुत लगा रहता है। बाकी मुझे कुछ हो जाए इसका डर नहीं लगता, क्योंकि ये जो ड्यूटी है ये समझ के लिए ही है और समझ के लिए हम इसे ख़त्म करेंगे। सिर्फ मेरी चपेट में मेरी फैमिली न आ जाए ये हमेशा शंका मेरे मन में रहती है। लेते जैसे घर गया, जैसे जब घर जाते हैं तो सबसे बड़े प्रिकॉशन पहले तो जो कुछ भी वर्दी जितने भी मेरे क्लोथ्स है वो गर्म पानी में एक बकेट में वो सब मैं भिगाने के लिए डालता हूँ, फिर बाकी अच्छी तरह से स्नान वगैरह करके मैं अंदर जाता हूँ। अच्छा, और बात इतनी प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है, नहीं तो हो सकता है कि अगर मेरा हाथ वगैरह इधर उधर कुछ निकला था तो उससे बना जाए ऐसा कुछ, तो किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए ये प्रिकॉशन। लोग आज कामठा रावणवाड़ी कामठा रूट पे है, हमारे साथ में पीएसआई विनोद जोकार सर हैं और वो जितने जिम्मेदारी के साथ सीरियसनेस के साथ ड्यूटी पे हैं, आज खुद ड्राइव कर रहे, ड्राइवर नहीं लिया उन्होंने, हम उन्हीं से पूछते हैं चलते हुए। सर चलते हुए बात करेंगे, कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सर ये आप किस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूटी के दौरान? अभी हम सीआरओ से हमको कॉल आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है, कोई अगर गांव का आदमी फोन करता है यहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ ज़्यादा भीड़ है या यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे सीआरओ के तरफ से हमको कॉल आता है हम तुरंत ही उस गांव में जाते हैं और जो कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ की फ़ोटो खींचते हैं और सीआरओ को भेजते हैं। इस दौरान आपको फेक कॉल का भी सामना करना पड़ रहा होगा? हाँ, बहुत से यानी कि फेक कॉल भी लोग कर रहे हैं कि यहाँ गर्दी है, यहाँ ये गलत काम हो रहा है, हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, ऐसे भी होते हैं। वैसे आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि ये कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना के विरुद्ध ये हम सबको मिल के करनी है, अगर इसमें हमारे गाँव का, हमारे देश का, हमारे समाज का एक आदमी हमको सहयोग नहीं करेगा तो ये जो पूरे प्रशासन है, ये जो लड़ाई है तो वो हम हार जाएंगे, इसलिए हर एक आदमी का इसमें सहयोग होना जरूरी है। हर घर में अगर आपको जो दी गई सूचना है, आदेश है, उसका पालन खुद के मन से करना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं आज का सारा दिन हम गोंदिया ज़िले के अलग अलग गाँव में जाके पुलिस प्रशासन के साथ में किस तरह से वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए और किस जुझारू ढंग से पुलिस प्रशासन काम कर रहे हो अलग अलग गांव में, पुलिस टीम के साथ हमने विजिट किया है और हमारे इस टीम में एक चीज़ हमने देखा है कि जिस तरह से पुलिस का जो चेहरा है कितना मानवीय चेहरा है, लोगों के हेल्पफुल चेहरा है, अपने परिवार अपने फैमिलीज की चिंता किए बगैर इस आपदा के दौरान कितने जुझारू ढंग से पुलिस लोगों की मदद कर रही है वो हम हर गाँव में जा जा के देखा है। आज
और हम लोग जो मीडिया पर्सनल, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है इनके लिए कि भाई इनकी कर्मठता, लोगों के प्रति जागरूकता के बारे में लोगों को बताएं। कोई फिक्कल फिक्कल और एक चीज़ हमने देखा इस दौरान कि पुलिस को प्रशासन परेशान इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी उनको फेक कॉल कर रहे हैं कि छोटी मोटी किसी के यहाँ घर में भाजी नहीं है उसके लिए फ़ोन कर रहे हैं, सास बहू का झगड़ा है उसके लिए पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं। सो इस तरह से लोगों से भी एक निवेदन है कि इस तरह से फेक कॉल करके पुलिस को अपना काम करने दें, उनको परेशान ना करें घर में, जिससे आप लोगों को जिनकी ज़रूरत है जिन उनको मदद पहुँचाने में बाधा आती है। कैमरामैन महेंद्र गजबिये के साथ मुक्तेश सरकार, सी टी वी।